हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिब्लिंग्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ अ स्प्रेडशीट और फंक्शंस इन अ स्प्रेडशीट। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सेकंड पार्ट आज हम इसका कंटिन्यू करेंगे। एंड फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ये सेकेंड चैप्टर है। एंड आपको पता है ऑलरेडी लास्ट के कुछ चैप्टर्स हम पहले कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। इसके 2-3 चैप्टर्स रिमेनिंग हैं, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो फंक्शंस इन अ स्प्रेडशीट वाले चैप्टर में हमने फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था। फार्मूलाज क्या होते हैं, है ना, फार्मूला कैसे एंटर करते हैं। फार्मूला एंटर करने में भी बेसिक फार्मूला होता है और एक होता है आपका कंपाउंड फार्मूला, तो वो कैसे एंटर किया जाता है। सेल रेंज, है ना, सेल रेंज के अंदर भी अदर टॉपिक्स पढ़े थे कि सेलेक्ट कैसे कर सकते हो आप रेंज को, फार्मूला में कैसे यूज़ कर सकते हो, रेंज को नेम कैसे देते हो, हमने ये सब पढ़ा था। फिर हमने सेल रेफरेंस पढ़ा था, सेल रेफरेंस क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो सभी हमने कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस पढ़ा था। आई होप आप सभी को वो अच्छे समझ में आ गया है। अब हमें पढ़ना है रीनेमिंग आ शीट, शीट को रीनेम कैसे किया जाता है। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको ऑलरेडी आई होप आप सभी को पता है कि हम जल्दी 9th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट चाहिए 9th क्लास का सबसे पहला सब्जेक्ट, वो हम कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे, हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, बट आप लोगों को अगर कुछ और सब्जेक्ट चाहिए तो हम वो भी स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आपके जो भी एल्डर सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, उन्हें हमारे चैनल रिकमेंड कीजिए जो अब 9th में हैं, ठीक है, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रीनेमिंग अ शीट बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मीन्स ऑटोमेटिकली द वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक आर नेम्ड एज शीट 1, शीट 2 एंड सो ऑन। जो वर्कबुक में वर्कशीट्स होती है ना, उनको ऑटोमेटिकली नेम क्या दिया होता है, शीट 1, शीट 2, ऐसे जितनी शीट्स आप यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से नाम दिए होते हैं शीट 1, शीट 2। यू कैन रीनेम अ वर्कशीट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर रेलिवेंट फॉर द यूजर्स और रीडर्स। तो आप इस शीट 1 और शीट 2 की जगह अपना खुद का कुछ भी नेम दे सकते हैं, उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपने उस वर्कशीट में जो भी काम किया है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी उसे नेम दे सकते हैं, ताकि जो भी यूज़र है, जो रीडर है, उस शीट को जो रीड कर रहा है, देख रहा है उस डेटा को, उसके लिए रिलीवेंट हो जाए, ईजी हो जाए। यूजुअली अ वर्कशीट इज़ नेम्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा इट इज़ होल्डिंग। अभी बताया ना, यूजुअली जो वर्कशीट का नाम दिया जाता है वो इस चीज़ के बेसिस पर दिया जाता है कि उसमें किस टाइप का डेटा आपने होल्ड किया है, उसमें किस टाइप का डेटा आपने डाला है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वर्कशीट हैज़ डेली अटेंडेंस, अगर कोई ऐसी वर्कशीट है जिसमें डेली अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की, यू कैन नेम इट एज अटेंडेंस। तो आप उसे नाम दे सकते हो अटेंडेंस, है ना। टू रीनेम अ शीट फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आपको रीनेम देने करना है शीट को, तो क्या करना होगा आपको, राइट क्लिक ऑन एनी शीट टैब, जैसे नीचे यहाँ पर देख रहे हो ना शीट 1, शीट 2 ऐसे आ रहा है, तो इस शीट 2 पर आपने क्या किया, राइट क्लिक किया, ठीक है। शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर, ये शॉर्टकट मेन्यू हो गया, क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन, यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन आ रहा है रीनेम ऑप्शन, द शीट टैब गेट्स हाईलाइटेड। तो ये शीट टैब आपकी यहाँ पर हाईलाइट हो गई रीनेम करने के लिए। असाइन अ न्यू नेम फॉर द शीट एंड प्रेस द एंटर की। तो आप शीट 2 पर क्लिक करेंगे ना जब यहाँ पर, तो आप इसे कुछ भी न्यू नेम दे सकते हैं और एंटर की आप प्रेस कीजिए, तो नेम जो है शीट 2 का वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक शीट को रीनेम कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, चेंजिंग कलर ऑफ अ शीट टैब, शीट टैब जो होती है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन एनी शीट टैब, शीट टैब पर आपको कोई भी राइट क्लिक करना है, ठीक है, जैसे अभी किया था राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैब कलर का ऑप्शन आएगा, ये आ रहा है यहाँ पर टैब कलर, यहाँ पर ऐसे मेन्यू बॉक्स आ रहा है ना, ये एरो बना हुआ है, तो टैब कलर ऑप्शन क्लिक किया, सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द डिस्प्लेड चॉइसेस। जब आप टैब कलर पर क्लिक करेंगे तो ऐसे कलर्स आ जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर इसमें चूज़ कीजिए और चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आया। अगला है फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं। अब अभी तो हमने फार्मूलाज वगैरह और ये शीट वीट के बारे में पढ़ा था, रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा, एड्रेस के बारे में पढ़ा, अब फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। फंक्शंस प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं, पहले से ही फिक्स्ड डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस दोनों को परफॉर्म करते हैं। दे सेव टाइम, फंक्शंस जो है साइन हमारा टाइम सेव करते हैं, बचाते हैं, एंड एलिमिनेट द चांस ऑफ राइटिंग रॉन्ग फार्मूलाज। और फंक्शंस जब हम अगर यूज़ करते हैं तो गलत फार्मूला लिखने के चांसेस इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि कोई चांस नहीं रहता कि हम कोई गलत फार्मूला लिख दें। दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज़, वो आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं और वैल्यूज़ रिटर्न में हमें देते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज़ क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट वैल्यूज़ दैट अ फंक्शन रिक्वायर्स। फंक्शन में यानी कि आपको जो भी फार्मूला आप डाल रहे हो
जो भी इनपुट वैल्यूज़ दे रहे हो आप वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स. वैल्यूज़ आर गिवन विद इन पैरेंथीसिस, और वैल्यूज़ जो दी जाती हैं वो पैरेंथीसिस में दी जाती हैं, ब्रैकेट्स जो होते हैं. आर्ग्यूमेंट्स में आपके नंबर्स टेक्स्ट आ सकते हैं एंड आर एनक्लोज्ड विद पैरेंथीसिस. आर्ग्यूमेंट्स आपके नंबर टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है और वो पैरेंथीसिस में एनक्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. फंक्शंस बिगिन विद इक्वल टू साइन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड देन अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द पैरेंथीसिस. फंक्शन जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इसमें आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है. उसके बाद फंक्शन का नेम लिखिए, ठीक है. उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन नेम, पूरा ये फंक्शन नेम ही लिखना है आपको. एंड देन अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और आपको आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट लिखनी है, उनके बीच में कॉमास लगाना है और पैरेंथीसिस के अंदर लिखना है. जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इज इक्वल्स टू फंक्शन नेम, जो भी आप फंक्शन कर रहे हो उसका नेम, ठीक है. फिर ब्रैकेट में यानी कि पैरेंथीसिस में आर्ग्यूमेंट वन कॉमा आर्ग्यूमेंट टू, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सब आपको लिखने हैं, पैरेंथीसिस क्लोज करना है. उसके बाद है रूल्स टू एंटर अ फंक्शन. फंक्शन एंटर करने के क्या क्या रूल्स होते हैं. ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू सिंबल. जितने भी एक्सेल में आप फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो वो सभी इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है. तभी उसे कंप्यूटर को पता पड़ता है, लैपटॉप को पता पड़ता है कि आप कुछ फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं. फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम. फंक्शन नेम जो है वो आपका एक वैलिड यानी कि लीगल एक्सेल नेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सम एवरेज इस टाइप से. फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथीसिस. फंक्शन नेम जो आप देते हैं उसके बाद आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथीसिस ज़रूर होने चाहिए. आर्ग्यूमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन द पैरेंथीसिस, और आर्ग्यूमेंट्स आपके किस में एनक्लोज रहते हैं, पैरेंथीसिस में. फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन नेम यानी कि आप ऐड करना चाह रहे हो, है ना, सम हो गया, और आपने पैरेंथीसिस में लिख दिया ए वन कॉलन ए फाइव, यानी कि ए वन में जो वैल्यू है और ए फाइव में जो वैल्यू, उनका सम होकर आपको आंसर मिल जाएगा. तो इस तरीके से आप फंक्शन एंटर कर सकते हो. इसके बाद है कॉमन फंक्शंस. फॉलोइंग आर सम कॉमन फंक्शंस इन एक्सेल दैट यू कैन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. कुछ आपको यहाँ पर कॉमन फंक्शंस दिए हुए हैं एक्सेल में जो यूज़ किए जाते हैं, और उन फंक्शंस को आप यूज़ करके कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो. सबसे पहला है सम. इट कैलकुलेट्स टोटल ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स. सम में क्या होता है, रेंज ऑफ सेल्स जो भी आप उसमें डालोगे उसमें टोटल आ जाता है. एक्सेल में यू कैन ऑल्सो यूज़ दी ऑटो सम फीचर टू गेट दी सम ऑफ दी एडजेसेंट सेल्स. एक्सेल में आपको ऑटो सम यानी कि ऑटोमेटिकली सम करने का फीचर मिलता है, जिससे आप एडजेसेंट सेल्स का सम निकाल सकते हो. लेट अस यूज दी सम फंक्शन और ऑटो सम फीचर टू कैलकुलेट दी टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुज. यहाँ पर आपको कुछ बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट दी हुई है, तो अनुज के आपको क्या करने हैं, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं बाय यूजिंग सम फंक्शन और ऑटो सम फीचर. तो इसमें आप कैसे यूज़ करेंगे ये देख लेते हैं. क्लिक ऑन दी सेल E6 वेयर यू वांट टू प्लेस दी टोटल मार्क्स. मान लीजिए आपको E6 में अपने उसके टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, तो आपने इस सेल पर क्लिक किया. टाइप दी फंक्शन एज, आपको फंक्शन में अब उसमें क्या लिखना है, सम पैरेंथीसिस में C6 कॉलन D6. क्या C6 और D6 इन दोनों का ही तो सम होना है, ये दो नंबर तो दिए हुए हैं. या फिर आप ऑटो सम ऑप्शन, आपके होम टैब में एडिटिंग ग्रुप होता है, एडिट ग्रुप में ऑटो सम का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं. अ डैश्ड बॉर्डर अपीयर्स अराउंड C6 थ्रू D6. C6 से D6 तक एक डैश्ड बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, और एंड एक्सेल ऑटोमेटिकली एंटर्स द फॉर्मूला, और एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली फार्मूला को एंटर कर देगा E6 में. अब आपको एंटर की प्रेस करनी है, सेल E6 जो है वो रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगी, शो करेगी E6 में. दूसरा कॉमन फंक्शन है इसका एवरेज. सम में भी ऐड करते हैं, एवरेज में क्या करना होता है ये देख लेते हैं. इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द रेंज वैल्यूज. जो भी आपने रेंज वैल्यू सेलेक्ट करी है उसका एवरेज रिटर्न में हमें देता है ये. द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी अ रेंज ऑफ सेल्स. जो आर्ग्यूमेंट्स आप लिस्ट में लिखोगे रेंज ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, सिंपली नंबर्स भी हो सकते हैं, या नंबर्स के साथ साथ सेल रेफरेंसेज हो सकते हैं. सो लेट अस कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अनुज. अनुज ने जो भी मार्क्स ऑब्टेन करें, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में जो दिखाया है उसका एवरेज निकालते हैं हम यहाँ पर. तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन दी सेल वेर यू वॉन्ट टू प्लेस दी एवरेज ऑफ वैल्यूज. जहाँ पर आपको एवरेज निकालना है उन वैल्यूज़ का, जहाँ पर आप चाहते हो कि इस सेल में आ जाए, तो उस सेल पर क्लिक करना है. तो आपको यहाँ पर F6 में मान लीजिए करना है, F6 में आपको यहाँ पर एवरेज लिखना है, क्योंकि F5 में तो हमने क्या लिखा था, टोटल लिख लिया ना. तो इधर आपको F6 में देख लीजिए एवरेज में. टाइप दी फंक्शन एज, आपको इसमें फंक्शन क्या लिखना है, इज इक्वल्स टू एवरेज. इज इक्वल्स टू लगाना बिल्कुल मत भूलना. एवरेज पैरेंथीसिस में C6 कॉलन D6, इनका एवरेज आ जाएगा जब आप एंटर की प्रेस करेंगे. F6 में आपको आंसर डिस्प्ले मिलेगा. तो इस तरीके से आप एवरेज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. फिर दूसरा फंक्शन है मैक्स. इट इज़ यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज. मैक्स आपको पता है मैक्सिमम यानी कि बड़ा हो गया,
तो आपको जो भी गिवन रेंज दी हुई है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप मैक्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेल F4 एंड टाइप। F4 सेल पर आपको क्लिक करना है और क्या लिखोगे वहाँ पर, इज इक्वल्स टू मैक्स B4:E4। B4 से E4 के बीच में जो भी मैक्सिमम यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू है उस रेंज में वो आपको मिल जाएगी। आपने ये टाइप किया उसके बाद आप एंटर की प्रेस कीजिए। एंटर की प्रेस करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस रेंज में B4 E4 के बीच में वो आपके F4 में शो होगी। सिमिलरली ऐसे ही और कौन से फंक्शंस होते हैं, मिनिमम काउंट फंक्शंस कैन बी अप्लाइड टू अ रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स में हम ऐसे ही मिनिमम और काउंट का भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन रेंज। मिनिमम फंक्शन क्या करता है, जैसे मैक्स था, मैक्स में लार्जेस्ट वैल्यू मिलती है, ऐसे ही मिनिमम में आपको जो भी रेंज आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। काउंट फंक्शन क्या करता है, वो सेल्स को काउंट करता है, उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर्स होते हैं एक ही रेंज में। तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस थे जो आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हो टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। फॉलोइंग आर सम मोर फंक्शंस इन एक्सेल दैट यू कैन यूज़ व्हाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। कुछ और फंक्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो कैलकुलेशंस करते वक्त। तो क्या क्या फंक्शंस हैं, ऑड ब्रैकेट में क्या है नंबर, तो इसका पर्पस क्या है, इट रिटर्न्स दी नंबर राउंडेड अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर तक उसका राउंड ऑफ करके आपको नंबर देगा ये। फिर है INT यानी कि होता है इंटीजर, इंटीजर ब्रैकेट में नंबर, राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। इंटीजर यहाँ पर नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर आ जाएगा, काउंटिंग्स में से कोई भी नंबर आ जाएगा। अगर आप ऐसे फंक्शन परफॉर्म करोगे तो इसमें क्या आएगा, जो आपने ब्रैकेट में नंबर लिखा है ना उसका नियरेस्ट इंटीजर वो राउंड ऑफ करके आपको प्रोवाइड करेगा। फिर है प्रोडक्ट और ब्रैकेट में रेंज लिखी जाएगी इसमें, जैसे लिखते हैं ना A6 से F6 तक, तो ये रेंज लिखनी होगी। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाईज दी वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल्स, तो इस रेंज ऑफ सेल्स में जो वैल्यूज होंगी उन्हें मल्टीप्लाई कर देगा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई है ना। राउंड नंबर या नम डिजिट, नंबर और डिजिट दोनों आ सकते हैं राउंड में। राउंड द नंबर टू द स्पेसिफाइड डिजिट्स, तो कोई भी नंबर आप इसमें लिखेंगे तो उसका राउंड ऑफ करके स्पेसिफाइड डिजिट्स यानी कि जो आपको डिजिट्स चाहिए वो आपको डिस्प्ले करेगा। फिर है EXP ब्रैकेट में नंबर, इट रिटर्न्स रेज टू द पावर ऑफ अ नंबर। एक्सपोनेंट समझते हो ना आप, जैसे बोलते हैं कि a की पावर 4, तो एक्सपोनेंट्स ही तो होते हैं, पावर्स ही तो होते हैं, तो ये आपको क्या देगा, किसी भी नंबर की पावर प्रोवाइड करेगा। SQRT मीन्स स्क्वायर रूट ब्रैकेट में नंबर, तो आपने मान लीजिए 5 लिखा, SQRT ब्रैकेट में 5 लिखा, तो आप एंटर की प्रेस करेंगे तो स्क्वायर रूट आपको देखने को मिलेगा इसका। पावर ब्रैकेट में नंबर या फिर आप पावर लिख सकते हैं, तो इट विल रिटर्न द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू सम पावर, कुछ पावर तक वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखिए लेट्स नो मोर में क्या लिख रहा है, द इजिएस्ट वे टू डिफाइन नेम्स फॉर सेल्स इज टू क्लिक ऑन द नेम बॉक्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द फार्मूला बार, टाइप अ नेम फॉर द रेंज एंड प्रेस द एंटर की। सबसे इजी तरीका, इजिएस्ट वे टू डिफाइन नेम्स फॉर सेल्स, अगर जो भी सेल्स हैं उनके नेम को आपको डिफाइन करना है, कुछ नेम देना है, तो उसका इजिएस्ट तरीका क्या है, नेम बॉक्स जो फार्मूला बार है उसके लेफ्ट पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड साइड पर नेम बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करना है। उस रेंज के लिए आप कुछ भी नेम लिख दीजिए वहाँ पर और एंटर किया प्रेस कीजिए, तो वो उन सेल्स को डिफाइन कर देगा, उसका नेम दे देगा। फिर दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, टू गेट द टोटल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स, अगर आपको एडजेसेंट सेल्स का टोटल निकालना है, एडजेसेंट सेल्स यानी कि पास पास के जो सेल्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो, की कॉम्बिनेशन दिया हुआ है क्या, ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू इक्वल, ये आप प्रेस कीजिए, तो क्या होगा, आप ऐड कर पाएंगे, टोटल आपको तुरंत मिल जाएगा एडजेसेंट सेल्स का। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा है, इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ मल्टीपल सेल्स दैट आर नॉट इन अ रेंज, अगर कुछ ऐसे सेल्स हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ मल्टीपल सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं उनका आपको सम निकालना है, लेकिन वो जो सेल्स हैं वो एक रेंज में नहीं है, सेपरेट ईच सेल एड्रेस बाय अ कॉमा, तो आप उसमें क्या करेंगे, हर एक सेल एड्रेस को आप कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू सम C4 C6 D8, देख रहे हो ना ये रेंज में नहीं है, तो आप कॉमा करके कर सकते हो, तो वो ऐड आपको करके दे देगा। दूसरा है नो द फैक्ट, सम कॉमन फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मिनिम कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ऑटो सम ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप और होम टैब। अगर आपको इनमें से कोई कॉमन फंक्शन यूज़ करना है तो
होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम ऑप्शन आता है, वहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो ऐसा होता है ना, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको सारे कॉमन फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप किसी पर भी क्लिक करके उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और कुछ कॉमन फंक्शंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। मॉड नंबर डिविजर रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिविजर, तो इसमें आपको रिमाइंडर देता है, जब एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं ना डिविजर से, तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है वो इस फंक्शन से मिल सकता है। CONCAT कॉनकैट टेक्स्ट वन joins two or more than two strings together, ये अगर आप ऐसा फंक्शन टाइप करेंगे तो दो या दो से ज़्यादा जो स्ट्रिंग्स होती हैं उन्हें एक साथ ज्वाइन कर देगा ये फंक्शन। टुडे डिस्प्लेस द करंट डेट, अगर आपने टुडे और पैरेंथीसिस को ब्लैंक रखा है, कुछ लिखा नहीं अंदर, तो वो आपकी करंट डेट जो जिस डेट को आप यूज़ कर रहे हो ना वो डेट डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फॉर्मूला और फंक्शन एरर्स इन दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ़ एनी फार्मूला इज एंटर्ड इन करेक्टली, मान लीजिए आपने कोई भी फार्मूला कोई भी फंक्शन इन करेक्टली एंटर कर दिया है एक्सेल, देन एक्सेल डिस्प्लेज एन एरर मैसेज रेदर देन दी प्रॉपर वैल्यू, तो एक्सेल क्या करेगा, वो प्रॉपर वैल्यू शो करने की जगह आपको एरर मैसेज शो करेगा कि यहाँ पर आपने गलती कर दी है। इट ऑल्सो असिस्ट यू इन आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग दी प्रॉब्लम, वो आपको गाइड भी करेगा असिस्ट भी करेगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। सम ऑफ द कॉमन एरर्स अलॉन्ग विद देयर पॉसिबल रीजंस आर एज फॉलोज, कुछ कॉमन एरर्स आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं उनके रीजंस के साथ। यहाँ देखिए ये आपको एरर दिखाया हुआ है, दिस एरर अकर्स इफ द कॉलम डज नॉट हैव इनफ स्पेस टू अकोमोडेट द वैल्यू, ये एरर कब आता है, जब कॉलम में कोई इतना स्पेस नहीं होता कि वो और वैल्यूज़ को रख पाए और वैल्यूज़ उसमें एंटर हो पाए, समझ रहे हो, तो ये एरर हो गया, तो इसे हम बोलेंगे वैल्यू एरर। इफ दूसरा है वैल्यू एरर, इट अकर्स इफ द फॉर्मूला कंटेन्स एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, वैल्यू एरर यानी कि कब होता है वैल्यू एरर, जब फॉर्मूला में कोई भी इनवैलिड वर्ड या कोई भी इनवैलिड नंबर आप टाइप कर देते हो तब वैल्यू एरर आता है। फिर है एक नेम एरर, नेम एरर अकर्स इफ़ द फॉर्मूला इज़ यूज इनकरेक्टली, अगर आपने फॉर्मूला गलत टाइप किया है, फॉर्मूले को इनकरेक्टली यूज़ किया है, तो नेम एरर आता है। फिर है डिव एरर, DIV डिवाइडेड बाय ओ एरर, इट अकर्स इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय ज़ीरो और एन एम्प्टी सेल, ये वाला एरर कब आता है, जब नंबर को आपने ज़ीरो से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ज़ीरो से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ना, और या फिर वो सेल आपका एम्प्टी सेल है, तब ये एरर आता है। तो ये कुछ और कॉमन फंक्शंस और फार्मूला एरर्स हैं। जहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फिल इन द ब्लैंक्स अब हम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विद एन डैश साइन, फॉर्मूला जब आप कोई भी एंटर करते हैं तो वो कौन से साइन के साथ स्टार्ट होता है, इक्वल टू के साइन के साथ। सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, फॉर्मूला में जो सेल एड्रेस होता है उसे हम और क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं। सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज ऑन कॉपिंग इज कंसिडर्ड एज डैश रेफरेंस, जो फॉर्मूला में सेल एड्रेस होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है कॉपी करने पर, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। डैश आर द इनपुट टू फंक्शंस विच एक्सेप्ट वैल्यूज एज नंबर और टेक्स्ट, ये आपके इनपुट होते हैं फंक्शंस के लिए, इनपुट जो आप प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, जो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं नंबर या टेक्स्ट की फॉर्म में। फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डैश, फंक्शन के बाद आपको किसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग करनी होती है, पैरेंथीसिस की। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें सबसे पहला इन मिक्स्ड रेफरेंसिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स चेंजेस व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला, मिक्स्ड रेफरेंसिंग में रोज एंड कॉलम्स की जो रिलेटिव पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हो। फॉल्स, बिकॉज मिक्स्ड रेफरेंसिंग में नहीं होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में होता है ये काम। ओके, इसका सही आंसर है आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग, क्या है, रिलेटिव रेफरेंसिंग होता है। इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग डॉलर साइन इज़ यूज्ड बिफोर द सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं सेल रेफरेंस से पहले, येस इट इज़ ट्रू। रेंज कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्मूला, फॉर्मूला में आप रेंज यूज़ कर सकते हो, ट्रू। सम फंक्शन इज़ यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज, सम फंक्शन का जो यूज़ किया जाता है वो वैल्यूज़ की सम फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रू। द एरर वैल्यू अकर्स इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय अ जीरो, एरर वैल्यू कब आता है, जब अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से, इट इज फॉल्स। ठीक है, एरर वैल्यू कब आता है, एरर वैल्यू जब आता है इफ इट कंटेन्स इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला है विच फंक्शन इज यूज टू जॉइन टू और मोर देन टू स्ट्रिंग्स टुगेदर, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन
करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट जॉइन, कॉनकैट या मैक्सिप्स? तो कॉनकैट। विच फीचर इज़ यूज टू गेट द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एडजेसेंट सेल्स? एडजेसेंट सेल्स की वैल्यूज़ को सम करने के लिए हम किस फीचर का यूज़ करते हैं, ऑटो सम, ऑटो फिल, ऑटो टोटल, टोटल ऑटो सम का यूज़ करते हैं। विच फंक्शन फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज? किसी भी रेंज में अगर हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो कौन से फंक्शन से फाइंड कर सकते हो, एवरेज, काउंट, मैक्स? तो मैक्स से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवीजर? जब एक नंबर को डिवीजर से डिवाइड कर दिया जाता है उसके बाद जब रिमाइंडर मिलता है तो किस फंक्शन से मिलता है हमें, मोड, पावर, सम? मोड से मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन सेल रेफरेंसेस कैन बी यूज्ड इन अ रिलेटिव रेफरेंस? रिलेटिव रेफरेंस में कौन सा सेल रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो, डॉलर D6, A3, डॉलर A, डॉलर 1? तो A3 आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। स्पोर्ट्स टीचर हैज़ मेजर्ड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास? एक स्पोर्ट्स टीचर हैं, उन्होंने एक क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया। सौम्या हैज़ बीन गिवन द असाइनमेंट? सौम्या को असाइनमेंट दिया गया, वर्क दिया गया टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा। तो उसे जो भी डेटा कलेक्ट किया गया उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम हाइट उसे फाइंड आउट करनी है। सजेस्ट द फंक्शन दैट शी शुड यूज़ टू अकम्प्लिश दिस टास्क? इस टास्क को पूरा करने के लिए वो कौन सा फंक्शन यूज़ करेगी, आपको ये बताना है। मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इज इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट पैरेंथीसिस, यानी मिनिमम के लिए मिन और पैरेंथीसिस। नेक्स्ट है, मिस प्रिया एंड हर फ्रेंड्स गॉट अ रेज ऑफ 10% इन देयर सैलरीज। मिस प्रिया और उसके दोस्तों को उनकी सैलरीज में 10% का इंक्रीज मिलता है, रेज हो जाती है, उनकी 10% बोनस मिलता है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ देयर प्रेजेंट सैलरीज 15,000। तो उनका कितना इंक्रीज हुआ अगर उनकी प्रेजेंट सैलरी 15,000 है? तो कैलकुलेट दी सैलरी बाय यूजिंग दी फार्मूला। फार्मूला को कैलकुलेट यूज़ करके, फार्मूला को यूज़ करके आपको सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या होगा, उनकी प्रेजेंट सैलरी है 15,000, इनिशियल वैल्यू हो गई प्लस 10% और हो गया। 10% यानी 10/100, 0 से 0 इधर गया, 1 0 यहाँ कट गया, तो आपको मिला 1500। 15,000 प्लस 1500 तो आपका आ गया 16,500 उनका इंक्रीज़ हुआ था सैलरी में, यानी कि उनकी पहले 15,000 थी, अब हो गई 16,500। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।